बहुत सारे लर्नर अप टू को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि अप टू क्या है, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। वर्ड अप टू इज मिस स्पेलिंग ऑफ अप टू, यानी वर्ड अप टू ये गलत तरीके से लिखा गया है। इसको लिखने का सही तरीका है अप टू, यानी अप और टू दोनों के बीच में एक स्पेस होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग इस वर्ड को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और उनको लगता है कि ये भी कोई वर्ड है, जबकि ऐसा सोचना सरासर गलत है। किसी भी डिक्शनरीज में ऐसा कोई वर्ड नहीं है। तो आइए फ्रेंड सीखें कि अप टू का क्या इस्तेमाल है और आपको अप टू कहाँ बोलना चाहिए। वर्ड अप टू का मतलब होता है तक, और आमतौर पर इस वर्ड का इस्तेमाल हम फ्यूचर टेंस में करते हैं जब हमारा टाइम फिक्स्ड हो, यानी पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम अप टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं 10 तक गिनूंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विल काउंट अप टू 10, यानी मैं 10 तक गिनूंगा। अगर आपको कहना हो यह लड़का 100 तक गिन सकता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस बॉय कैन काउंट अप टू 100, यानी यह लड़का 100 तक गिन सकता है। अगर आपको कहना हो मैं 10 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कैन रन अप टू 10 किलोमीटर्स, मैं सोमवार तक तुम्हारा इंतजार करूंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वेट फॉर यू अप टू मंडे, यानी मैं मंडे तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। आइए कुछ और सेंटेंसेस देखें जहां अप टू का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार आप अपने लाइफ में कहते हैं कि यह तुम पर है चाहे तुम इसे करो या नहीं, या यह मुझ पर है मैं वहां जाऊं या नहीं, या उन लोगों पर है वो यहां आए या नहीं। तो जब आपको कहना हो यह मुझ पर है, यानी यह मेरे मर्जी के ऊपर है, या तुम पर है, यानी यह तुम्हारे मर्जी पर है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप अप टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यह तुम्हारे ऊपर है, या यह तुम पर है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज अप टू यू, यानी यह तुम पर है। यह मुझ पर है कि मैं वहां जाऊं या नहीं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज अप टू मी वेदर आई गो देयर और नॉट, यह आप पर है कि आप इंतजार करें या कुछ देर बाद आए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज अप टू यू वेदर यू वेट आर कम अगेन आफ्टर सम टाइम, यानी यह आप पर है आप इंतजार करें या आप कुछ देर बाद आए। अगर आपको कहना हो ये आप पर है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या नहीं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज अप टू यू वेदर यू लाइक दिस वीडियो आर नॉट, ये आप पर है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं, इट इज अप टू यू वेदर यू सब्सक्राइब दिस चैनल आर नॉट। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह लेसन आपको शानदार तरीके से समझ में आया। अगर वाकई आपको यह लेसन समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।